उसका जड़मूल से समाप्त होते रहा है, इस बार भी जड़मूल से समाप्त होगा, ये सोलानते है। सनातन पर उंगली उठाने वाले का ऐसा वध होगा रावण के तरह, रहे न जग में रोवन हारा, वैसा प्रहार। सनातन के लिए देश के लाखों लाख हमारे संत शहीद होते आए हैं, चाहे वो महिषासुर के समय में हो और चाहे रावण के समय में हो, हर समय में तो सनातनी बधु शुरू कर चुके हैं। लाइव सीरीज में नाम अभिषेक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हरि सहनी जी पहुंचे हैं और रामायण को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, शिक्षा मंत्री जिस तरीके से रामायण पर बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर उनसे बातचीत करेंगे। पूरे के पूरे सनातनी को वध किए थे और माँ दुर्गा का जो प्रादुर्भाव हुआ था तो महिषासुर किसका वध कर रहे थे, केवल और केवल सनातनी का वध कर रहे थे। उस समय में यज्ञ किसका विघ्न होता था, केवल और केवल सनातनी का। रावण जब आए तो वो किसका हत्या किए थे, केवल और केवल सनातनी का। इसलिए जिसने लाखों नहीं लाखों लाख संत जिस सनातन धर्म को बचाने के लिए अपना शहीद होते आए हैं, उस भारत के भूमि को आज देश की जनता सनातन को समाप्त करने वाले को मटिया मिलीन कर देंगे, ये 16 आना तय है। आप देख लीजिए बड़े बड़े प्रतापी आए सनातन को समाप्त करने के लिए, उसका जड़मूल से समाप्त होते रहा है, इस बार भी जड़मूल से समाप्त होगा, ये 16 आना तय है। कुछ नहीं है, वो जो है INDIA जो बनाए हैं संगठन, बॉम्बे से आए और बैठक करके ना जाने उनके मन में क्या आया कि भाई हम इस तरह से सनातन का, अब तो हम काम ऐसा तो कभी किए नहीं तो हम आ नहीं सकते हैं, तो सनातन पर प्रहार करो। और इस तरह से वो लोग जो मनसा बना कर आए हैं, निश्चित रूप से सनातन पर उंगली उठाने वाले का ऐसा वध होगा रावण के तरह, रहे न जग में रोवन हारा, वैसा प्रहार। मंत्री लगातार कह रहे हैं, शिक्षा मंत्रियों किस रूप में देखते हैं? शिक्षा मंत्री के बारे में मत पूछिए। अरे राम अधकल गगरी छलकत जात, शिक्षा मंत्री को पते नहीं है? अरे भैया कानून का एक पन्ना पढ़ लिए, राजनीति का एक पन्ना पढ़ लिए, कहिए उनको कि आप जो रामायण पर बोल रहे हैं वो रामायण का कितना पन्ना पढ़े हैं, ये सनातन कब से है? सनातन के लिए देश के लाखों लाख हमारे संत शहीद होते आए हैं, चाहे वो महिषासुर के समय में हो और चाहे वो रावण के समय में हो, हर समय में तो सनातनी बधु। और तब वो सारे के सारे अपने प्राणियों की आहुति देते देते आज सनातन को इतना मजबूत बना के हम लोग देख रहे हैं सामने में। सभी धर्मों का जड़ है सनातन, सनातन को हम सबल कर लेंगे, मतलब सभी धर्मों का हम सम्मान कर लेंगे, इसलिए सनातन को सबल होना जरूरी है। निषाद आरक्षण की बात हो रही है, मुकेश सहनी कह रहे हैं आप निषाद आरक्षण पर क्या है? भाई बार बार वही बात, जो मांगने वाला है पहले उसका नियत तो देख लीजिए, कहे के लिए बार बार वही बात करते हैं? वो मांगने वाला है कौन? आरक्षण वो स्वयं कितना दिए थे, 11 सीट में कैठो दिए थे? भाई बार बार केवल वही बात बोला बाप के आप लोग क्या नहीं, वो लगातार हमला बोलते हैं मोदी सरकार पर, आप पर हमला बोलते हैं आप। अरे राजनीति करते हैं वो, तो बोलेंगे नहीं क्या नीतीश नहीं बोल रहे हैं, क्या बिहार में जितना भी पक्ष है नहीं बोल रहे हैं? बोलने दीजिए भैया, हर समाज में एक से अनेक लीडर होते हैं, सब अपने अपने ढंग से अपने समाज का सेवा करना करते हैं। उस समाज के लोग का धर्म है कि वो पहचान करे कि मेरा वास्तविक में शुभचिंतक कौन है। ये कैसे पता चलेगा? कौन गाड़ी लेट आती है सबको पता है, ये गाड़ी तो ऐसे ही लेट चलता है, ये गाड़ी टाइमली रहता है, पता तो सबको होता है ना, कभी कभार कुछ हो जाता है, नहीं तो गाड़ी के बारे में सबके बारे में पता होता है। तो कौन लोग कैसे काम करने वाला है, कौन व्यक्तिगत जीवन जीने वाले हैं, कौन व्यक्तिगत स्वार्थ में जीवन जीते हैं और कौन समाज के लिए, वो जनता तय कर रही है। दीदी एक मिनट, नाव हादसे का जिम्मेवार कौन है, क्या कहा जा भाई? इससे पहले सब कह रहे हैं मांग हो रहा था, इससे पहले भी वहाँ घटना घट चुकी है, बिहार सरकार को पहले उस पर पुल बनाना चाहिए था, नहीं बनाया
हैं तो बिहार सरकार जिम्मेवार है, और दूसरा कौन रहेगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप देख सकते हैं किस तरीके से, जो हरी सहनी उन्होंने साफ साफ कहा नाव हादसे का जिम्मेदार बिहार सरकार है। मुकेश सहनी पर भी बोले, शिक्षा मंत्री पर तो भड़क गए और कहा कि रावण की तरह नाश हो जाएगा, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। तो मैं रही लाइव स्टूडियोज के साथ।